एएलटी बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म के बाद अब अमेज़न प्राइम वीडियोस भी निकल पड़े हैं उनकी राह पर, जिसे वे आसान तरीके से अपने कंटेंट सीरीज को वायरल कर सके। मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक बात समझनी चाहिए कि बिना अश्लीलता के भी वेब सीरीज सक्सेसफुल हो सकती है। कोटा फैक्ट्री और पंचायत जैसी वेब सीरीज इसका उदाहरण है। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मूवीज ऑडिट, और आज हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एडल्ट वेब सीरीज रसभरी की, जिसे लिखा है शांतनु श्रीवास्तवा ने और डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट ने। इसके लीड रोल में नजर आएंगे ट्विटर क्वीन स्वरा भास्कर, जिन्होंने रसभरी का, जो कि एक इंग्लिश टीचर है, उनका रोल अदा किया है। बाकी एक कास्ट में आपको आयुष्मान सक्सेना, जिन्होंने नंद का, और रश्मि आगडेकर, जिन्होंने प्रियंका का रोल अदा किया है। कहानी शुरू होती है मेरठ के एक छोटे से शहर में, जहां रसभरी एक इंग्लिश टीचर के रूप में एक स्कूल में पढ़ाने आती है। वहीं नंद उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में रसभरी पूरे मोहल्ले और शहर में अपने मल्टीपल अफेयर्स की वजह से चर्चों में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका मन ही मन नंद से प्यार करती है, लेकिन रसभरी के स्कूल में आने के बाद उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। नंद अपनी टीचर के अफेयर्स के बारे में सुनकर काफी दुखी होता है, और उन्हें पाने के लिए वो क्या करता है और किस हद तक जाता है, और क्या रसभरी के अफेयर की स्टोरी में कितनी सच्चाई है, यही है पूरी वेब सीरीज। अगर मैं कहानी की बात करूं तो शुरू में यह वेब सीरीज काफी स्लो पेस से शुरू होती है और आपको काफी बोर कर सकती है। पूरे वेब सीरीज में कहीं भी वाव फैक्टर नजर नहीं आता है। वैसे तो इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, और यही एक अच्छी बात है कि इस वेब सीरीज के हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट का है, क्योंकि इस वेब सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप एंटरटेन हो सके सिर्फ जिसकी नुमाइश के अलावा। बात करें एक्टिंग की तो स्वरा भास्कर ने एवरेज एक्टिंग की है, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस्ड हुआ हूँ रश्मि आगडेकर की एक्टिंग से। शी लुक्स सो नेचुरल इन अ परफॉर्मेंस। आपने रश्मि को पहले भी अंधाधुन मूवी में काम करते हुए देखा होगा। डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स भी काफी एवरेज है, वहीं कैमरा वर्क ठीक ठाक नजर आ रहा है। वहीं प्रसून जोशी, जो कि सेंसर बोर्ड की चीफ भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके वेब सीरीज के कंटेंट पर सवाल उठाया है और कंटेंट क्रिएटर को रिस्पॉन्सिबल होने की सलाह भी दे डाली। वैसे मैं यह वेब सीरीज आपको देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए इसे देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।